तो दोस्तों सुजाता के इस मिक्सर ग्राइंडर ने खुद ही बता दिया है कि ये इंडिया में नंबर वन क्यों है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोशाम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे पास है इंडिया का नंबर वन जूसर मिक्सर ग्राइंडर, जो कि है सुजाता पावरमैटिक 900 प्लस जूसर मिक्सर ग्राइंडर। दोस्तों सुजाता के जूसर मिक्सर ग्राइंडर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली मोटर दी गई है, 900 वॉट की मोटर इसके अंदर है। इसके अलावा इसके मोटर की जो क्वाइल है वो 100% कॉपर से बनी हुई क्वाइल है, तो काफी बढ़िया क्वालिटी है। लेकिन अब हम इसे चेक करके देखने वाले हैं, इसके अंदर हम गेहूं पीस के देखेंगे कि क्या ये आटा बना पाएगी या नहीं। मैंने यहाँ पर गेहूं ले लिए हैं और इन गेहूं को हम इसके अंदर पीस के देखेंगे। तो मैंने इसे पावर से कनेक्ट कर दिया है, थोड़े से गेहूं ले लिए हैं और इसे अब हम पीस के देखेंगे कि क्या हम इससे आटा बना सकते हैं नहीं बना सकते। इस जार के अंदर मैं इन गेहूं को डाल दे रहा हूँ। गेहूं हमारा इसके अंदर आ गया है और इसके लिड को कर देंगे बंद। ये इसका ड्राई ग्राइंडिंग जार है, इसके अंदर हमने ऐसे गेहूं को ले लिया है और यहाँ पर रखने के बाद इसे सिंपल सा इस तरह से हमें लॉक कर देना है। मैं देख ले रहा हूँ इसकी क्या हालत हुई है। इसका जार काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है और मुझे स्मेल आ रही है, जैसे चक्की पर आटा जब हम पिसवाते हैं तो वहाँ पर जो स्मेल आती है वैसी स्मेल यहाँ पर भी आ रही है। वाओ, इसके अंदर सुजाता ने, भैया देखो सुजाता मिक्सर ग्राइंडर के अंदर आटा बनके तैयार हो चुका है, यानी आप इससे आटा भी पीस सकते हो। मैं ले लेता हूँ एक प्लेट और इसके अंदर हम यहाँ पर इस आटे को छान के देखने वाले हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ भी बच नहीं रहा है, वो कोई भी भूसी वगैरह इसके अंदर नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने पीस दिया है आटे को, बिल्कुल चक्की जैसा आटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, सुजाता मिक्सर ग्राइंडर ने केवल 2 मिनट के अंदर गेहूं को आटे में बदल दिया है और ये बिल्कुल प्रॉपर आटा है। जैसे कि मार्केट या आटे की चक्की से जो आटा आप लेके आते हो, बिल्कुल वैसा ही आटा आपको यहाँ मिल जाता है। अगर आपको लगता है मार्केट या चक्की का आटा शुद्ध नहीं है, उसमें मिलावट है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप घर पर भी सुजाता मिक्सर ग्राइंडर के अंदर बहुत ही आराम से गेहूं को पीस सकते हो। तो दोस्तों सुजाता के इस मिक्सर ग्राइंडर ने खुद ही बता दिया है कि ये इंडिया में नंबर वन क्यों है। अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।